सो हेलो गाइज, वेलकम टू द रेड गेमिंग ऑफिशियल। और आज हम खेलने जा रहे हैं लिटिल नाइटमेयर 2। इस गेम में गाइज बेसिकली एक बच्चा है, 5-7 साल का बच्चा होगा, जो कि ना एक मॉन्स्टर्स की इविल दुनिया में फंस गया है। ठीक है, हमें उसको एस्केप कराना है। वो ना एक्चुअली एक टीवी देख रहा था या गेम खेल रहा था, तो सडनली उसमें कुछ ग्लिच हुआ और उसने जाके ठीक करने की कोशिश करी और वो उस टीवी के थ्रू इस दुनिया में पहुंच चुका है। ठीक है, तो अभी हमें उसको एस्केप करवाना है। और सामने देखो गाइस एक बड़ा सा रेड कलर का दरवाजा है, जिसपे भाई एक डेंजरस सी आई बनी हुई है। तो भाई ये गेम मेरे को लग रहा है कि बहुत ही ऑसम होने वाली है। तो गाइस जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट रखना। और इसी बात पे हम करते हैं स्टार्ट। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। तो अभी हम गेम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चा ना इस टीवी के थ्रू इस दुनिया में आ गया है। ठीक है, अभी इसको एस्केप कराना है। एस्केप कराने के लिए हमें यहाँ से ना आगे बढ़ते हैं। इसको एक फ्रेंड भी मिलेगी एक्चुअली वो, ठीक है, वो उसको ना हेल्प करेगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो हमें उस फ्रेंड को भी ढूंढना होगा। तो आज के एपिसोड में हम ना उस फ्रेंड को ढूंढेंगे। फाइट तो नहीं होगी एक्चुअली, बट वो हमें उससे बचना होगा शायद, जो भी है। देखते हैं गेम में कैसे गेम में हमें आगे लेके चलता है। फिलहाल तो ये गुफा के थ्रू मैं इधर आ गया हूँ बाहर। और यहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक माहौल लग रहा है। भाई ये देख रहे हो हाथ पैर कैसे लटक रहे हैं। बट हमें यहाँ पे अपना टाइम पास नहीं करना, हम यहाँ से ना फटाफट निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत खतरनाक एरिया लग रहा है मेरे को। फिलहाल गेम की स्टार्टिंग में इतना कुछ भयानक नहीं है, बट ये देखो गाइस यहाँ पे एक ट्रैप बिछा रखा है। तो ऐसे ट्रैप मेरे को लगता है इस पूरी गेम में मिलते रहेंगे हमें बहुत सारी जगह पे। इस ट्रैप से बचने के लिए मैं जंप करके तो जा सकता हूँ, बट मेरे को आगे नहीं पता क्या है। तो एक काम करते हैं, पहले इस ट्रैप में फंसते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ओके ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम से हम इसमें नहीं फंसेंगे। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको देखने के लिए किया था कि क्या है ये, किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो चलो अब से हम ट्रैप का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस ट्रैप पे से जंप करते हैं। यहाँ पे भी ट्रैप हो सकता है, बट शायद नहीं, यहाँ पे नहीं है, बस ये छलावा सा है। ये क्या है? अच्छा, इसको मैं धक्का दे सकता हूँ। ओके, धक्का दे के नहीं 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 ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा। बढ़िया, अभी मैं जा सकता हूँ। बढ़िया, चलो 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 भाई, अभी ये छोटी छोटी सी गुफाएं टाइप की बना रखी है और मैं यहाँ से निकल गया। भाई क्या ही एनिमेशन दे रखे भाई, इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ओए ओए गया मैं भाई, ये दबा देगा क्या मेरे को? भाई साहब, ओह शिट, भाई साहब कसम से 1 इंच से ही बचाऊंगा मैं, नहीं तो मैं तो गया था भाई। ये पेड़ ने अगर नहीं रोका होता ना इस पेड़ को, तो हमारा काम तमाम था। ये आगे कैसे जाना है भाई यहाँ से? ये फंदा लटका हुआ, इतनी लंबी जंप तो नहीं मार पाएगा। एक काम करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, मेरे को लगता है ऊपर से ही जाना होगा। चलो चलो यहाँ से जंप करते हैं। ओके, यहाँ पे भी ब्रिज टूटा हुआ, इस बॉक्स को नीचे लाना पड़ेगा इस हैंडल की मदद से। तो इस हैंडल को घुमाते हैं। चलो बढ़िया, कूल, चलो आगे चलते भाई। अभी तक तो जितनी भी भाई मुश्किलें आ रही हैं हम पार कर पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी मुश्किल लगती है मेरे को। अब यहाँ से कैसे पार करें भाई? कुछ तो रास्ता होगा, एक काम करते जंप करके देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये इतना लंबा जंप नहीं ले सकता भाई, और कोई रास्ता होगा, और कोई रास्ता होगा। एक काम करते हैं, यहाँ सामने एक रस्सी नीचे को जा रही है, क्या हम इससे लटक के जा सकते हैं? ओ शिट, ओए ओए ओए, चलो बढ़िया। अभी हम ना इस तरीके से, मतलब ब्रिज से लटक के नीचे को कूद गए, तो हम आ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हमने वे तो ढूंढ लिया कम से कम वहां से निकलने का। चलो ये वाला ट्रैप भी हमने कंप्लीट कर ही लिया है, कि भाई ब्रिज टूटा हुआ था, जाने का रास्ता भी नहीं था, हमें जुगाड़ ढूंढ ही लिया। फिर भी कोई नहीं, जूता फेंकने का मजा ही अलग है।
ओके ओके ओके, ये जूता यहाँ पे होने का रीज़न समझ में आ गया। ये जूता है ना यहाँ पे, ये ट्रैप लगा हुआ है, इससे बच के जाने के लिए हमें जूते का इस्तेमाल करते। रुक जाओ, यहाँ से मैं जूते को ना इस ट्रैप पे फेंकता हूँ। ओए शिट, जूता तो उधर चला गया और ट्रैप भी नहीं खुला। और भी जूते पड़े हैं, उठा लेते हैं। और ये देखो भाई, ये ट्रैप लगा हुआ था, इससे बच के हमारे आगे जाने का रास्ता भी खुल गया। चलो, इस ट्रैप को पार करने से हमारे आगे जाने का रास्ता खुल गया। ये लकड़ी ले लेते हैं यहाँ से, ये ना हमें इन जो ये वाले जो ट्रैप है ना दांतों वाले, इनसे बचने में हेल्प करेगा। इस तरीके से मारते मारते मैं आगे जाऊँगा। और हाँ ठीक है, बच गया। ये वाला दिख नहीं रहा था मेरे को अच्छे से, बट फिर भी जो आइडिया हमने लगाया ना, काम आ गया वो। इधर भी भाई बहुत सारे पत्ते हैं, एक काम करते हैं, ये लकड़ी यहाँ पे, इसको उठा सकता हूँ क्या मैं? हाँ भाई उठा सकते हैं, और उठा ले भाई, छोड़ मत इधर। और देखो भाई यहाँ पे कहीं पे ना ट्रैप बिछा हुआ है, ये देखो भाई, एक एक इंच और आगे मैं चला जाता ना तो भाई कीमा बन जाता मेरा यहाँ पे। चलो, और ये वाला सिनेरियो तो मैंने देखा हुआ है, इसको सीधा ऐसे करके फेंकूंगा। और ये देखो भाई, पूरा पूरा इंतजाम कर रखा है भाई यहाँ पे। चलो चलो चलो, ऊपर चढ़ते हैं, इससे भी बच गए हम। अगर भाई हाथ छूट जाता पहले लकड़ी गिरने से तो हमारा काम तमाम हो जाता। सामने एक घर तो दिख रहा है मेरे को, यहाँ से कुछ यार हथियार वगैरह मिल जाए ना, ये हथियार थोड़ी है, कुछ मिल जाए यार सेफ्टी के लिए तो मज़ा आ जाए। इस गेट को खोलते हैं, तो वैसे ये गेट खुल नहीं रहा लेकिन सामने एक विंडो खुली हुई है, तो हम विंडो के थ्रू जाने वाले अंदर। और ऐसा ना हो कि यार हम अंदर जाएं कोई मॉन्स्टर भाई हमारा इंतजार कर रहा हो। ओ भाई लाइट ब्लिंक कर रही है, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं भाई। ओ शेट, बोतल गिर गई मेरे से, फटाफट से हमें निकलना है। ओके, और भाई म्यूजिकल टॉय की आवाज़ सुनाई दे रही है आप तो मेरे को ना, एक म्यूजिकल टॉय की आवाज़ आ रही है, तो मैं फटाफट से ना उस साउंड का पीछा करता हूँ। ये इधर की साइड से ही आवाज़ आ रही है मेरे को। ओके ओके, यहाँ पे एक बच्चा है, यानी ये हो सकता है ये हमारा वही फ्रेंड हो जिसका मेंशन मैंने शुरुआत में ही करा था। इसको भी यहाँ पे ना कैद करके रखा गया, क्योंकि देखो गाइस उसने ना वो ड्रॉ कर रखा है कि कितने दिन हो गए उसको यहाँ पे लाइन खींच खींच के। तो एक काम करते हैं, इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे एक एक्स है, इसको लटक के निकाल लेते हैं। बढ़िया, इस एक्स को लेके चलते हैं भाई। लेकिन ये छोटा सा बच्चा है लेकिन मेहनती बहुत है भाई, किस तरीके से देखो यार इस एक्स को, इतने बड़े एक्स को घसीट के लेके जा रहा है उस बच्चे को छुड़ाने के लिए। शायद उसका फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। भाई साहब जबरदस्त हमला, और टॉय की आवाज़ बंद हो गई। ओके अंदर चलते हैं, वो बच्चे की आवाज़ बंद हो गई, टॉय सामने पड़ा लेकिन बच्चा का है? बच्चा टेबल के नीचे घुसा पड़ा है। ओके अच्छा, ये दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है इससे, इसको बुला रहा है कि इसने हैंड आगे कराए कि दोस्ती करने के लिए। ओके, दोस्ती तो नहीं, पता नहीं भाग गई है। एक काम करते हैं, इसका पीछा करते हैं, कहाँ जा रही है? इसने ड्राइंग भी बना रखी है, पता नहीं अजीब अजीब सी, ये ऊपर को कहाँ जा रही है? शायद इसको यहाँ से भागने का रास्ता पता है इसलिए ये फटाफट से यहाँ से भाग रही, तो हम भी चलते इसके साथ साथ फटाफट। ओके, ये हमारा वेट भी कर रही है, तो ये हमें साथ के में लेके जाना चाहती साथ में, तो हम भी इसके साथ में जा रहे हैं। अबे ये कहाँ ले आई मेरे को भाई साहब? ओए भाई, ये बॉडी है क्या है ये समझ नहीं आ रहा ये भाई, लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक लग रहा है। यहाँ से निकलते हैं भाई। गिर गया भाई, फैल गया पूरा। अच्छा, ये इसको खोलने की कोशिश कर रही है या अकेले नहीं खोल पा रही है? अब ये दोनों ऊपर की साइड देख रहे हैं,
खोल के मानेंगे लगता है। इसने हेल्प मांगी, इसने बोला तुम, अच्छा ये हाथ आगे कर रही है और बोल रही तुम कूदो लटको, तुम खोलो इसको। ओके तो हमारा प्लेयर भाई लटक तो गया है बट खुला नहीं। ओके ये भी लटक गई साथ में, और भाई ये स्टेयर्स खुल तो गई है बट भाई ऊपर से बहुत खतरनाक खतरनाक आवाज़ें आ रही है। गाइस यहाँ ना एक ताला लगा हुआ है, गेट है, तो मेरे को लगता है यहाँ से एस्केप करने का ना यही रास्ता है, तो इसकी की ढूंढनी पड़ेगी। ओके उसको जोड़ लगा के हिस्सा गजब, चलो आ जाओ ऊपर फटाफट। ओके सामने एक की दिख रही है गोल्डन कलर की, हमें इसको निकालना पड़ेगा, लेकिन ना इसको निकालने के लिए एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, इनमें हैंडल चाहिए होगा यहाँ पे। ओके ये ऊपर जाने के लिए बोल रही है, चलो ऊपर फटाफट। ओके एक रूम में ले आया मेरे को ये, एक रूम में आ गए हम लोग, और ना यहाँ पे ओके ओके इसके हाथ में भाई ये बॉडी के हाथ में लीवर है, मेरे को निकाल लेता हूँ मैं इसको, देर नहीं करेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे डर लग रहा है। ये बॉडी बॉडी ये मेरे को लग रहा है ना ऐसा बॉडी के अंदर इन्होंने रूई भर रखी है भाई, ये बहुत डेंजरस है यार। चलो अभी हम फटाफट चलते भाई इसलिए। ओके गिर गया भाई, बाहर नहीं संभाल पा रहा इसका, इसने लीवर लगा दिया है। ओके अभी चलो इसको खोलते हैं। ओके लीवर घुमा रही है ये, क्या हुआ? अच्छा ये कह रही है इसके ऊपर जाने के लिए। ओके इस पर क्लाइम करते हैं और इसके ऊपर चढ़ के इस तरीके से हम इस की को ले लेते हैं। ओके फाइनली की हमारे पास आ गई है, चलो गाइस की हमें मिल गई है, बढ़िया। अभी हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे, हम फिलहाल ना फटाफट यहाँ से निकलते हैं। वो मेरे को ऐसा लग रहा है ना मेरे को कहीं ले जाना चाह रहा था, बट अभी ना हमें यहाँ कहीं जाना नहीं है। ओके गलती से गिर गया भाई, कोई बात नहीं, आ जल्दी से आ जाओ, मैं फटाफट ना ताला खोल देता हूँ भाई। ठीक है इस लॉक को हमने खोल दिया है, अब यहाँ से फटाफट भाग लेते हैं भाई। चलो हमें ना यहाँ जाना है, तो अंदर चलते हैं हम, देखते हैं क्या करना है हमें। गाइस आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को, अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है, बहुत हल्की आवाज़ है, आप लोग को शायद ना आए। चलो एक काम करते हैं इसको धक्का देते हैं और अंदर जाके देखते हैं। चलो चलते भाई अंदर, देखते क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। भाई ये कैसी दुनिया है यहाँ पे, तो कोई ना कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं, बस एक ये बच्चा मेरे को मिल गया है साथ में, जो कि ये भी कुछ कहता नहीं बोलता नहीं, और भाई ये तो जानवरों की खाल लग रही है, स्किन लग रही है भाई, क्या है ये? ओ शिट भाई ये क्या है ये? ये बंदा भाई जानवरों की स्किन खींच रहा है भाई, इस जल्लाद है, इससे बच के रहना पड़ेगा। तो चुपचाप से यहाँ से निकल जाते भाई, इसको कानो कान खबर ना लगे कि हम लोग यहाँ से निकल गए, चुपचाप से निकल जाते बिना किसी आवाज़ के। अगर इसने देख लिया भाई पलट के तो हमारी तो लंका लग जाएगी भाई, पोटी वोटी सब पड़ी हुई है यहाँ पे। चलो यार यहाँ से निकलते फटाफट, शिट आवाज़ होगी, उसने पलट के देखा भाई, उसने देख लिया हम लोग को। ओ शिट भाग 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 है, जल्दी भाग भाई। अरे यार ये यहाँ पे भी आ गया, अबे फंस गया मेरा प्लेयर, शिट मेरा प्लेयर ही फंस गया था, गोली लग गई यार। कोई नहीं अब की बार नहीं फंसेंगे हम भाई साहब, एक तो इसकी गोलियां भी मिस नहीं हो रही है। भाग 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 भाई भाई ये नहीं छोड़ने वाला, इसको सही से दिखाई नहीं देता। मैं एक काम करता हूँ ना, इनके पीछे छुप जाता हूँ, शायद ये ना देख पाए, लेकिन यहाँ ये गोलियां वहीं मार रहा है। एक बार तो इसने मेरे को मार ही दिया था, और भाई कितना डरावना है ये, देखो पता नहीं मुंह पे क्या ही डाल रखा है इसने, एक होल है देखने के लिए सिर्फ, और टोपी वोपी सब लगा के भाई राइफल लेके पीछे पड़ गया हाथ धो के। चलते हैं यहाँ से भाई फटाफट निकलते हैं, काम करते क्राउच करके इसके पीछे पीछे ही चल देता हूँ, इसको पता ही नहीं लगेगा, ये आगे ढूंढता रहेगा पीछे देखेगा ही।
जैसे ही उधर की साइड देखेगा ना, हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। पर अंदर जल्दी से आजा भाई, जल्दी से आजा। आजा आजा आजा, ओ गोलियां मार रहा भाई, भागो यहां से। चलो फिलहाल तो इससे पीछा छूटा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भागते हैं यहां से। क्या ही भागे भाई यहां से, तो ये ब्रिज टूटा हुआ है। कैसे जाना है भाई, इसको पता होगा शायद। ये नीचे देख रही है भाई, पूरा गहरा गहरी खाई है नीचे। ओके चलो, ये रस्सी यहाँ पे ना मेरे ख्याल से खींचनी है, इसको रस्सी को खींचते हैं। हाँ ओके, ये वो कह रही है पीछे खींचो इसको, हमने खींच दिया भाई। और ये कूद के निकल गई भाई, मेरा क्या, मेरा क्या होगा भाई, ये तो निकल गई, मैं कहाँ जाऊँगा। और रस्सी छोड़ते ही वो ब्रिज का जो पार्ट उठा था वो नीचे डाउन हो गया। चलो कोई नहीं, मैंने इसको आवाज़ दिया हेल्प के लिए, देखते हैं कैसे हेल्प करती है। ओके इसने लकड़ी पकड़ ली और हाथ दिया, कह रही है तुम आओ मैं पकड़ लूँगी। तो ओके हम एक लंबा सा रन अप लेते हैं और सीधा जंप कर देते हैं, और इसने भाई पकड़ लिया। अगर भाई ग्रिप छूट जाती इसकी तो भाई मैं तो लटक गया था नीचे सीधा खाई में, इतनी गहरी खाई में घुस जाता मैं भाई। मेरे को ना उसी बंदे की आवाज़ आने लग गई फिर से। इधर ही देख रहा है वो, इससे बच के निकलना बहुत मुश्किल है यार ये ना। अरे यार ये कबूतर जो है ना, ये बहुत गलत है, ये कबूतर नहीं सॉरी, जो ये कौआ है ना, ऊपर भाग यार, जल्दी चल, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। ओ शिट भाई, ये गिर गया नीचे को, अगर इसने पकड़ा नहीं होता तो काम तमाम ही हो गया था। भागना पड़ेगा यहाँ से फटाफट भाई, ये गोलियों की बरसात कर रहा है हमारे ऊपर। इधर से इधर से इधर से इधर से, चलो इस घर से तो निकल आया हम। कूद जा भाई, भाई वो गेट तोड़ रहा है, कि हमें अंदर जाना चाहिए भाई इधर। ओके उसने शायद हमें देखा नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे सेफ लग रहे हैं, बस ये इधर की साइड में देख ना ले भाई, इधर ही को देख रहा है, बट इसने अभी हमें देखा नहीं। मैं अंदर को और हो जाता हूँ ताकि वो गलती से भी देख ना ले। तो गया ये, अभी हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं बाहर निकले। ऊपर जाने के लिए तो कोई रास्ता है नहीं, ये पानी गंदे पानी में से ही जाना पड़ेगा हमें। इसने देख लिया है भाई, मेरे को देख लिया, ये आगे जा रहा है, आगे से घेरेगा क्या मेरे को। कोई नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पे छुप के देखते हैं ये क्या कर रही है। इसको धक्का दे रही भाई, ये पेड़ इसके ऊपर गिरा रही है यार, जाने के लिए रास्ता बना रही है। चलो इस पेड़ को ना नीचे गिरा देते हैं फटाक से। ओए ओए शिट शिट, इसने देख लिया भाई, इसने देख लिया। इसको पता ना लग जाए बस। चलो इसको नहीं पता लगा, हम लोगों ने पानी पानी के अंदर से पार कर लिया। चलो इसके जो कौए हैं ना भाई, ये बता देते हैं इसको कि हम लोग कहाँ पे हैं। ओके यहाँ पहुँच गया भाई, दौड़ता हुआ जाऊँगा सीधा। भागो यहाँ से, भागो सीधा गेट पे, भागना पड़ेगा गेट के अंदर। जल्दी आ गेट बंद कर, मैं देखता हूँ भाई यहाँ से भागने का कुछ जुगाड़ हो तो। ओके मेरे को गन मिल गई भाई, गन मिल गई अपने को, गन मिल गई। अभी शायद इससे बॉस फाइट होने वाली है हमारी, बॉस फाइट ही चल रही है जब से हमारी। ये भाई इसने मुंडी निकाली, ओ भाई गोली चल गई, उसने मुंडी अंदर घुसेड़ी और भाई सडनली हमसे गोली चल गई। लगता है भाई हमने इसको मार दिया। हाँ भाई शायद हमने इसको मार दिया, क्योंकि अगर ये अभी तक होता तो ये हमारी चटनी बना चुका होता, कीमा बना के खा रहा होता। सो गाइस लिटिल नाइटमेयर 2 का फर्स्ट एपिसोड पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं हम।
पार्ट टू के लिए गाइस कमेंट कर देना फटाफट से, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया तो कर लेना गाइस। इस टाइप की और भी बहुत सारी गेम लगातार आने वाली है, सर्वाइवल हॉरर और एडवेंचर गेम है, ठीक है। तो गाइस जिसने भी अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।